तो आपका स्वागत है जॉर्ज पुल में। जॉर्ज पुल में आज हम उतरे। एक तो जॉर्ज पुल में गन मिलनी बंद हो गई, पूरे रेंगल मैप में लूट खत्म भाई साहब। कैसे कैसे करके एक गन मिलती है, उसमें से भी साला हम नॉक हो जाते हैं। चलो हम ऊपर चढ़े, स्कारल मिली। ओ बॉय हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे होता क्या है, सौरभ हो जाता है नॉक, हमारा डेड पुल, पर टैलेंट उसको नॉक कर देता है जिसने सौरभ को नॉक किया होता है। मैं टेरेंट को बोलता हूँ कि भाई तू रिवाइव कर, मैं कवर करता हूँ, तू रिवाइव कर, मैं कवर कर रहा हूँ। मेरे को पता नहीं था कि वहां पे उसने फिनिश कर दिया। ठीक है, डन। तो वहां पे फायरिंग की आवाज अभी भी आ रही है कि वहां पे बंदा है। डन डन, वहां से देखो अभी भी फायरिंग का साउंड आ रहा है कि बंदा है वहां पे। मैं उठा, मैंने देखा यहां से भी जस्ट यहीं से एक बंदा गया, या तो वो नूब था या तो मैं नूब हूँ। दोनों में से एक तो नूब है यार। हम दोनों में से, दोनों ने किसी को मारा नहीं बेसिकली। मैंने अपनी टीम को बुला लिया कि भाई यहाँ पे बंदा है, आ जाओ। बोले चलो ठीक है, आ गए। अब जैसे ही वो आए और मैं कूदा ही था यहाँ पे नॉक, मेरे को नहीं पता मेरे को गोली कहाँ से लगी, कैसे लगी, पर गोली लगी। चलो ठीक है, यहाँ पे रुको, ईआरई जरा लगती सबर है। फिर करो। मैं जैसे ही रिवाइव होता हूँ भाई साहब, जो रेल बनती है ना हमारी, इनकी नहीं हमारी, अभी देखना। यहाँ से मैंने बोला भाई मेरे को एंगल नहीं मिल रहा, मैं जा रहा हूँ वेयर हाउस। मैं गया यहाँ से वेयर हाउस। ये सब मेरे साथ ही थे, टीममेट अच्छे हैं भाई हमारे, साथ रहते हैं। अच्छा, यहाँ से वेयर हाउस घुसे। अब यहाँ पे मेरे को लगा, अब यहाँ पे ना जब सामने वाले कंटेनर पे बंदा, अब देखो आप पहले तो गरीबी देख लो यार, शॉर्ट गन उठा रहा है हमारा बंदा, पेन किलर भी अब मिला उसको जाके यार। अब ये बंदा पहले तो बॉट था ये, चलो ठीक है बग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को लगा ये नॉक हो गया, ये खड़ा हुआ नीचे कूद गया। मैंने बोला वो नॉक हुआ, मैंने बोला नहीं नहीं वो वापस नीचे कूद गया। अभी इसने इसने टैलेंट को कर दिया नॉक, दूसरा बंदा है इसका, इसने टैलेंट को नॉक कर दिया। और जैसे ही मैंने उसको नॉक करने की कोशिश करी मेरे को साइड से, इनका टीम वर्क बहुत अच्छा लगा, सीरियसली इनका टीम वर्क बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने बोला भाई मेरे को यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा, मैं जाऊंगा पीछे, पीछे जाऊंगा मैं, टावर से एंगल मिल जाएगा, टैलेंट को खड़ा करो। जैसे ही करण खड़ा हुआ, करण अपना टैलेंट, टैलेंट जैसे ही खड़ा हुआ, मैं पीछे की तरफ निकला। मैंने चलो ठीक है मैं निकल रहा हूँ, यहाँ टैलेंट रिवाइव हो जाएगा। सौरभ का टैलेंट को सौरभ रिवाइव कर ही देगा। अब मैं गया पीछे यहाँ से, मैंने बोला तुम देखो यहाँ से एंगल चेंज करते हैं, पीछे आ जाओ सबके साथ, फॉल बैक करो। टैलेंट रिवाइव हुआ, मैं गया यहाँ से सामने वाले टावर पे, ये जो टावर था सामने, बिल्कुल उसी टावर पे गया मैं, ऊपर चढ़ रहा हूँ। एंगल मेरे को अच्छा मिला। मैंने जैसे ही, मैं अभी अब ऊपर देखो, जैसे ही मैंने उसको मारने की कोशिश करी, वैसे सामने एक बंदा यहाँ पे गिरा दिया, दूसरा मैंने गिरा दिया, तीसरा तो फिर तो पिटेगा ना। रुको जरा रुको, सबर करो। यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने पूछा इनसे टीम से, मैं मारू उसको नहीं मारू, अगर इन लोगों का, अगर ये लोग पास में होते तो मैं मारता उनको। मैंने उनको बताया कि तू यहाँ पे जा, यहाँ पे सारी टीम चली गई। सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया, सौरभ का एंगल बहुत अच्छा था, सौरभ उनके कंटेनर पे ही चला गया था धीरे धीरे। मैंने शाम को बोला शाम तू फायर कर, मैंने इसको गोली मारी, और जैसे इसको गोली लगी वो भग गया। ये बंदा लेटा हुआ था, गोली तो पड़ेगी इसको फिर भी, एक गोली तो खाएगा, प्रसाद नहीं खाएगा हमारा है चलो ये अपने टीममेट्स के पास गाड़ी लेके आ गया, चलो बहुत अच्छा, इनकी यूनिटी बहुत अच्छी लगी टीम की सीरियसली। मैंने थोड़ा सा पीछे हटा, मैंने बोला कि भाई मेरे को लोकेट कर लिया इन्होंने, मैं स्पॉटेड हूँ। तो इतने में सैम गया उस वाले कंटेनर पे, नंबर चार हमारा सैम, टैरेंट भी आ गया, टैरेंट आ गया। मैंने बताया इसके जस्ट कोने पे बंदा है। यहाँ पे सैम भाई जो काम कर देते हैं मजा आता है। सैम एक को गिरा देगा, सैम पेट पकड़ के ले आएगा सैम, सीरियसली मजा आ गया सैम का इस बार वाला गेम प्ले देख के। मैंने सौरभ को बोला सौरभ बहुत सही जगह है तू, सही है चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। सौरभ चढ़ रहा है ऊपर, सौरभ चढ़ा, शाम को बंदा दिखा, सामने पहले सैम ने गिराया, फिर मेरे को ये दिखा, मैंने इसको गिरा दिया। ये नॉक है बंदा, ये नहीं बचेगा, नॉक गया ये बंदा। फिर तो क्या, फिर तो टैलेंट आ गए हैं, टैलेंट अपना पूरा काम कर ही देगा। यहाँ पे ऑल डेड हो गया यार, वो कॉफिन वाला गाना होता ना, मजा आ जाता है यहाँ पे। टे 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 मेरे को एग्जैक्ट उसकी ट्यून पता नहीं है, तो आई एम सॉरी यार।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, केडी उड़ाने आए थे हमारा, 6x मिल जाता है यहाँ पे और बैरल मिल जाती है। हाँ चलो अब हो गया हमारा काम, यहाँ से लूटा, मेरे को 3x किया था। स्कारल पे सबसे सही होता है 3x। अब स्कारल का एमओ मेरे पे 27 बचा, 22, तो मैंने बोला शाम को मेरे को दे, तो मेरे को टैलेंट ने दिया और सौरभ ने दिया मेरे को थोड़ा थोड़ा एमओ। मैंने बहुत है भाई, अब चलो यहाँ से, गाड़ी उठाई निकल गए। हमने आगे मंगवाई फ्लेयर, और भाई जो बवाल होता है फ्लेयर पे मजा आ जाता है कसम से। मतलब वो आए क्यों थे मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया फ्लेयर वाला। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके बताना कि वो आए क्यों थे यार, सीरियसली मेरे को तो अभी भी हंसी आ रही है उनसे। अब यहाँ पे आएगी फ्लेयर, अब यहाँ पे जस्ट बंदे आने ही वाले हैं, इनका बंदों का देखो। और गाइस प्लीज कमेंट करके बताना कि ये लोग आए क्यों थे। मैंने सैम से लिया ऑम, सैम मैं थोड़ी बहुत स्नैपिंग कर लेता हूँ भाई, प्लीज मेरे को ऑम दे दे। बंदे आए, रुको जरा, सबर करो। अब इनके साथ कितना ही बुरा हो सकता था उतना ही बुरा हो गया। अब ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि आए क्यों थे, मेरे को तो हंसी आ रही है इनके ऊपर सीरियसली। चलो कोई बात नहीं, ड्रॉप लूटी, मेरे को ऑग मिल गई, मेरी फेवरेट गन है ऑग और ऑम। जीरो रिकॉइल के साथ ऑग चलती है, उस पर अटैचमेंट हो कॉम्पनसेटर हो और वर्टिकल और एक्सटेंड हो, मजा आ जाता है भाई साहब ऑग चलाने में ना। आपको कोई और गन चाहिए ही नहीं, कर तो ऑग ऐसी गन है। चलो फिर इनका तो हो गया खात्मा। अब मैंने बोला चलो निकलते हैं यहाँ से। हम जैसे ही निकलने लगे, वैसीकरण बोल रहा है कि भाई मेरे को VSS आ रहा है। मैंने बोला भाई VSS वाला है, इससे पंगे नहीं लेते, तू निकल 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 निकल। बैठे हम गाड़ी में, निकले। अब यहाँ पे पीछे से शॉट्स आ रहे हैं और आगे, ये ड्रॉप वालों के साथ क्या ही बुरा होता है भाई साहब कसम से। मेरे शॉट्स देखना सारे मिस, नूब लेवल स्नाइपिंग, नूब लेवल स्नाइपिंग, नूब लेवल स्नाइपिंग। और ये बंदा दो गोलियों में बच रहा है ऑम की यार, एक गोली में, दो गोली में, सीरियसली। मैंने चलो बेटा इनमें से एक तो नॉक होगा, ये तो मैंने भी सोच लिया था, एक तो तुम में से कोई पिटेगा। ये लोग चले जाते हैं घर में, एक इनका यहीं पे मर जाता है, मार देते हैं ये लोग, एनिमीज मार देते हैं, मतलब जो इनके सामने अपोनेंट थे ना वो उनको मार देते हैं, हम नहीं मारते। बट सीरियसली मजा आ जाता है यहाँ पे, मजा आ जाता है मेरे को अपने टीममेट्स के ऊपर ना, सीरियसली बहुत प्यार आता है यहाँ पे। क्या ही टीममेट्स मिले हैं यार। चलो ये लोग यहाँ से जा चुके, टैलेंट करता है एक को नॉक, करण। मेरे को लगा करण ने इसी स्क्वाड हाउस वाले को नॉक किया होगा, मैं आगे धीरे धीरे भाग के जाता हूँ। अब करण यहाँ पे एक नॉक करेगा, बोलेगा करण एक नॉक दो नॉक। यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट स्टिल ठीक है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। टेरेंट ने कर दिया मार्क, भाई यहाँ पे एनिमी है, एक नॉक ठीक है। टेरेंट एक और को नॉक कर देगा, पर टेरेंट को पता ही था सामने वाले स्क्वाड हाउस में बंदे हैं। मैंने एक की खोपड़ी देख ली, मैंने ठीक है पिटेगा। मैंने सौरभ को बोला सौरभ अंदर जा, एक नॉक है, नीचे वाला नॉक है। सौरभ मेरे को बोल रहा था कि भाई नीचे बंदे हैं, मैंने बोला नीचे वाला एक नॉक है, ऊपर हो सकते हैं, ऊपर वाले को चेक कर ले। सौरभ और सैम अंदर गए, करण वहां पे जा रहा था, मैंने करण को बोला नहीं तू गलत जा रहा है, यहाँ पे बंदे हैं, उन वालों को छोड़ दे, उन वालों की तो ढंग से पेटी बनाएंगे, पहले इस वाले को समझा। यहाँ पे भाई जैसे ही ये होता है ये खत्म, सब खत्म। मैं मेरे को लगा ऊपर बंदे हैं, मैं इस नॉक वाले को फिनिश करके ऊपर जाता हूँ, तो देखा सब अपने आप खत्म। बड़ा प्यार आया मेरे को अपनी टीम पे यार, सच में कसम से, मतलब क्या ही बताऊँ तुम्हें, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, कितना प्यार आया मेरे को। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरी अटैचमेंट पूरी, ऑग की अटैचमेंट पूरी, भाई साहब इसका मतलब बवाल है बाप के हाथ में। मेरे को बताया यहाँ पे बंदा है, ठीक है, मैंने पीक किया हेड शॉट, एक हेड शॉट लगा, बंदा अब खिड़की में दिखेगा नहीं। अब करण मेरे को बोल रहा है कि चल 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 चल, मैंने बोला रुक जा, अपने आप ब्लीड आउट होंगे, हो जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं। कितनी बार मुंडी दिखाएगा, मेरे पास है आराम से, है मेरे पास 16-17 एमओ है मेरे पास ऑम का, मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्लीड आउट होने दे। साला 5 शॉट मिस हो गए तो क्या हुआ, सारे शॉट थोड़े ना मिस हो जाएंगे, हो जाता है कभी कभी। अब ये देखो हल्की सी मुंडी दिखाएगा कैसे पिटेगा, पहले इसको देखो कवर देखो भाई, ये बंदा कैसे ही लेगा। आओ आओ आओ, मैंने टैलेंट को बोला, टैलेंट उसकी गाड़ी का टायर फोड़ दे। अब ये देखना ये कितनी सी मुंडी दिखा रहा है, अभी अचानक से बाहर आएगा, कितनी तेज हेडशॉट लगेगा। एक बेटा बाहर आओ,
बेटा बाहर आओ, खत्म। अच्छा ये ब्लेड आउट हो जाएगा और मर जाएगा, ब्लेड आउट होके मर जाएगा। करंट ने एक टायर फोड़ा गाड़ी का पीछे वाला, मैंने चलो उसने मेरे को बताया नहीं कि एक ही फोड़ा, अभी तो आगे हमें पता चलेगा कि एक ही टायर फटा है उसका गाड़ी का। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब मैंने बोला कि भाई जोन है, जोन में निकलते हैं, धक्का जोन को, ब्लेड आउट होके मर जाएंगे। मैंने भी इतना ज्यादा इस पर फोकस किया नहीं। अब वो बंदा ब्लीड आउट हो ही जाता है, मेरे को मिल गया किल उसका। वो जैसे उसका टीममेट पहुंचा वैसे वो ब्लीड आउट हो जाता है। मैं चलो बहुत बढ़िया, किल तो मिला मेरे को एटलीस्ट। मैंने बोला चलो ठीक है यार, जोन है, यहाँ से जोन पुश करो, ये लोग मरेंगे, मार देंगे। तो इतने में सौरभ बोलता है कि भाई मेरे पास ना एमओ नहीं है, तो लूटते हैं थोड़ा सा। मैंने चलो ठीक है, पीछे एक की पेटी पड़ी थी, एक तो मरा ही था पीछे। हम गाड़ी उठाई, हमने जस्ट पीछे निकल ही रहे थे, हो गया चलो निकले हम पीछे। इतने में सौरभ बोलता है लूट नहीं है भाई मेरे पास, गाड़ी में बैठे। हमने पहले पेटी लूटी, यहाँ पे तो साइड में एक पेटी है। यहाँ पे एक पेटी है, मैंने इसको लूट। इतने में मेरा दिमाग चला कि वो सारे जाएंगे तो पैदल ही, जब तक ये लूट रहे हैं लूटने दो, तो मैं जाता हूँ। अब देखो सीन क्या हुआ यहाँ पे, मतलब सीन अलग ही सीन चल रहा है भाई। ये छोटी भी गाड़ी का टायर लेके बगे, मैंने करण तूने गाड़ी का टायर नहीं फोड़ा? करण बोल रहा है भाई फोड़ा तो था, एक ही टायर फोड़ा था। करण ने मेरे को ऐसा बोला, भाई मेरे को करण पे जो गुस्सा आया। मैंने चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब यहाँ से मैंने बोला करण निकलेंगे, अब वो आने दे एक सेकेंड। तो करण बोल रहा गाड़ी कहाँ है? मैंने बोला भाई अभी गाड़ी मेरे को भी नहीं दिखी, मैं जैसे ही जूम आउट करता हूँ तो मेरे को गाड़ी दिखती है कि गाड़ी है कहाँ, बिल्कुल राइट में गाड़ी। मैंने बोला ये रही गाड़ी, गाड़ी में बंदा बैठा, पट से बॉडी शॉट, उसमें बॉडी शॉट पड़ते ही नॉक हो गया। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, मैंने चला अब रिस्क नहीं लूंगा, फिनिश है बेटा तू, उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। मैंने बोला चलो छोड़ो, वो जोन से मरेगा, जोन पुश करो सबसे पहले। जोन जैसे हम पुश करते हैं, सीन देखो होता क्या है, ऑग की पावर दिखाता हूँ। और मेरे हाथ में ना ऑयल लग गया गलती से, मतलब हाथ में स्वेट आ गया, स्वेटी सा हाथ हो गया। मैं ऑग का रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ तो रिकॉइल कंट्रोल कर लिया मैं, ठीक है। अब ये देखो ये क्या ही सीन होता है मेरे साथ भाई साहब, रिकॉइल चेक करना मेरा गन का, देखो 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 देखो, ओ, इतना रिकॉइल, ऑग का इतना रिकॉइल कर दिया मैंने भाई साहब। अब करण जा रहा था बीच में से, मैंने बोला करण नहीं लेफ्ट से जा तू, करण लेफ्ट से गया, ये वाली ऑल डेड, ये स्क्वाड खत्म खत्म, दो बंदे यहाँ पे खत्म। अब बचे सामने चार बंदे और हम चार। मैंने बोला थोड़ा कवर ओवर लूट ले, फिर ना कंपाउंड होल्ड कर ले, बंदे आएंगे फॉर श्योर, बंदे आएंगे। वो बोल रहे चलो ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे मेरे साथ सीन ये हुआ कि मेरे को बंदा ही ना दिखे, वो बंदा मरा वहां पे। अब रह गए 2v4 रह गए, अब मेरे को बंदा ही ना दिखे। मेरे को शॉट देखो कि मेरी एचपी बिल्कुल फुल है, एक शॉट में मर जाता हूँ AWM के, और हेड भी नहीं कनेक्ट होता। अगर हेड कनेक्ट हो तो समझ में भी आता, चलो हेड कनेक्ट हो रहा है, हेड भी कनेक्ट नहीं होगा तो मर जाता हूँ मैं यार। मेरे को सही लगा पबजी का, देखो हेड भी कनेक्ट नहीं हुआ है तो मैं एक गोली में मर जाता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को लोकेशन, मेरे को गोली का मार्क आया था, मैंने वहां पे एनिमी कर दिया, चलो ठीक है वहां पे एनिमी है, बंदे हैं, हो जाएगा। अब मैंने सौरभ को बोला, सौरभ ठीक है मैं सेफ हूँ, हुआ सौरभ को भी गोली पड़ती है, सौरभ डॉच करते करते आ जाता है यहाँ पे, पहुंच जाता है। मैं चलो ठीक है, इसने रिवाइव किया, मैंने सौरभ को बोला सौरभ अंदर हो हल्का सा, सौरभ अंदर हो हल्का सा, हल्का सा अंदर हो गया सौरभ, ठीक है। अब जितनी देर में मैं रिवाइव होता और खड़े होता उतनी देर में तो हो गया, पूरा गेम ही जीत गए। करण पहुंच गया पीछे से फ्लैंक करके, और करण ने लौंडे दिल्ली के दिल्ली के दिल्ली के कर दिया उन्होंने, खत्म सीन ही खत्म भाई, पूरा जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को स्मोक स्मोक की। अब करण एक को लेटा दिया करण ने, अब ये दूसरा बंदा मेरे को नहीं पता था इतना पास है बंदा, ये देखो मरेगा कहाँ, दूसरा यहाँ मरा है, बिल्कुल लिटरली यहाँ पे मरा है वो बंदा। चलो इसी के साथ एक और चिकन डिनर होते हुए करण को MVP बना दिया गया, पबजी का ग्लिच, चूतिया ग्लिच। चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे को बताइए कि कैसा लगा।